हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम दीपावली से रिलेटेड कुछ वर्ड्स मीनिंग पे डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज टेक अ कॉपी एंड पेन एंड प्लीज नोट इट डाउन। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो टॉपिक को नाम दिया है दीपावली से रिलेटेड सम वर्ड्स, मीन्स सम दीपावली रिलेटेड वर्ड्स, राइट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला वर्ड्स है यहाँ पे, पहला वर्ड है मिट्टी का दीपक, मीन्स मिट्टी के दिए के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसके लिए बोलते हैं अर्थन लैम्प, राइट फ्रेंड्स, अर्थन लैम्प। और इससे आपकी इंग्लिश और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी, राइट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, दीपक या दिया के लिए बोलते हैं लैम्प, LAMP लैम्प। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, और दीपावली फेस्टिवल में हम धन संपत्ति या दौलत का यूज करते हैं, तो उसके लिए बोलते हैं वेल्थ, वेल्थ, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स यहाँ पे खुशहाली, और दीपावली के त्योहार में ये फेस्टिवल में हमें खुशहाली मिलती है, खुशहाली मिलती है, उसे बोलते हैं प्रोस्पर्स, प्रोस्पर्स, राइट फ्रेंड्स, प्रोस्पर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम दीपावली फेस्टिवल में देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, देवी लक्ष्मी के लिए बोलते हैं गॉडेस्ट लक्ष्मी, गॉडेस्ट लक्ष्मी, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट भगवान को बोलते हैं हम लॉर्ड, LORD, लॉर्ड, राइट फ्रेंड। नेक्स्ट जब हम देवी और देवता को एक साथ इंग्लिश में बोलते हैं तो बोलते हैं डाइटी, डाइटी, DEITY, डाइटी। नेक्स्ट, और इसी दीपावली फेस्टिवल से आपको पता चलेगा वनवास, राम, श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ था, तो वनवास के लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं एग्जाइल, एग्जाइल, एग्जाइल। ये दीपावली से रिलेटेड वर्ड्स है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे पटाखी, पटाखी के लिए बोलते हैं क्रैकर्स, क्रैकर्स बोलते हैं, या फायर क्रैकर्स भी आप बोल सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स यहाँ पे आतिशबाजी पटाखे, जो हम दीपावली फेस्टिवल में यूज करते हैं, तो फायर वॉक्स, फायर वॉक्स बोलते हैं, बट ये फायर वॉक्स का मतलब होता है जो पटाखे हम आकाश में उड़ाते हैं, राइट, गेटिंग फ्रेंड्स, आकाश में उड़ाते हैं। और एक जो नॉर्मल होते हैं पटाखे क्रैकर्स, जो हम जमीन में ब्रस्ट करते हैं, मीन्स फोड़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रकाशित करना या जलाना, जो भी हम दीपावली में लाइट, ये जो भी चीज यूज करते हैं उनके लिए बोलते हैं लाइट अप, लाइट अप, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पटाखे फोड़ना, पटाखे फोड़ने के लिए हम बोलते हैं ब्रस्ट, पटाखे फोड़ने के लिए बोलते हैं हम ब्रस्ट, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ब्रस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सुतली बम, सुतली बम के लिए हम बोलते हैं ग्रीन क्रैकर बम, या सुतली बम भी बोलते हैं, या जूट ट्वाइन बम भी इसी को कहते हैं, सुतली बम, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे अनार, और अनार के लिए हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फाउंटेन क्रैकर, फाउंटेन क्रैकर बोलते हैं अनार के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फुलझड़ी, फुलझड़ी के लिए बोलते हैं स्पार्कल, 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 राइट, स्पार्क कलर भी आप बोलते हैं, राइट फ्रेंड्स, किसके लिए, फुलझड़ी के लिए। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे चरखी, कुछ पटाखे चरखी के जैसे बने होते हैं उनके लिए बोलते हैं ग्लैक्सी स्पार्क्स, या ग्राउंड स्पाइनर, जो हम जमीन में फोड़ते हैं, ग्राउंड में ब्रस्ट करते हैं, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट है रॉकेट, और जो रॉकेट होता है उसको सैम रॉकेट ही कहते हैं, राइट फ्रेंड्स, इंग्लिश में। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स पटाखों की लड़ी, जब आप कोई पटाखे का पैकेट लेते हैं उसमें पूरी लड़ियां बनी रहती हैं, राइट, उसको बोलते हैं चेन ऑफ फायर क्रैकर्स, या स्ट्रिंग ऑफ फायर क्रैकर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स कम प्रदूषण वाले पटाखों को बोलते हैं, हम पटाखे के लिए बोलते हैं ग्रीन क्रैकर्स, ग्रीन क्रैकर्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स दीपावली में हम मिठाइयां बनाते हैं उसके लिए बोलते हैं स्वीट्स, ऑलरेडी आपको पता है मिठाइयों के लिए क्या बोलते हैं, स्वीट्स। नेक्स्ट बांटना, डिस्ट्रीब्यूट,
करते हैं, मिठाई को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट, इस दीपावली में या दीपावली फेस्टिवल या त्योहार में हम लोग बहुत उत्साह या आनंदित होते हैं, आनंद होते हैं, उसे बोलते हैं गेस्टो, राइट, गेस्टो बोलते हैं। नेक्स्ट, दीपावली को हम धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं धूमधाम से, तो पॉम्प एंड सो। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, त्योहार का माहौल, मीन्स जब हमारे घरों में सभी लोग गांव आ जाते हैं दीपावली के फेस्टिवल में अपने शहर से या सिटी से, राइट, उसको बोलते हैं फेस्टिव एटमोस्फियर, मीन्स त्योहार का माहौल, राइट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, रंगोली, दीपावली के दिन हम रंगोली बनाते हैं, तो रंगोली के लिए रंगोली बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, मोमबत्ती, मोमबत्ती को बोलते हैं कैंडल, मोमबत्ती को बोलते हैं कैंडल। और नेक्स्ट है लौ या ज्योति, चाहे आप दीपक की लौ बोल सकते हैं या कैंडल, उसे बोलते हैं फ्लेम, राइट फ्रेंड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड, मुझे लगता है कि आप लोगों की समझ में आया होगा फ्रेंड्स, मैंने दीपावली से रिलेटेड वर्ड्स लिखे हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो फ्रेंड्स, जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बगल में बेल आइकन उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, बिकॉज जो आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन नाइस मीटिंग टू यू, थैंक यू वेरी मच एंड कीप प्रैक्टिसिंग।